सोनीपत के जीआरपी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सोनीपत के गांव छतेरा का रहने वाला आशीष उर्फ आशु है। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस के सामने चोरी के 3 वारदातों का खुलासा किया है। जीआरपी थाना पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। तस्वीरों में दिखाई देने वाला ये शख्स आशीष उर्फ आशु है, जो सोनीपत के गाँव छतेरा का रहने वाला है। आशीष नशे का आदी है और इस नशे की लत ने ही इस युवा को अपराधी बना दिया। आशीष ने जीआरपी थाना पुलिस के सामने कबूल किया है कि सोनीपत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उसने एक लड़की के मोबाइल फोन और पैसे को चोरी किया था। इसी के साथ चलती ट्रेन से 2 महिलाओं के कान की बालियां भी चोरी की थी। वहीं आरोपी युवक कुंडली थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को भी अंजाम दे चुका है। आरोपी अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। इस आरोपी ने ना, इसका नाम है आशीष उर्फ आशु पुत्र श्रीदेव, इसको गिरफ्तार किया है। इसने एक तो मोबाइल चोरी कर लिया था एक लड़की का और उसकी बैग से 5,000 रुपये निकाल लिए थे। और इसके अलावा इसने गिरफ्तारी और तफ्तीश के दौरान में 2 वारदात और हमारे मुकदमे की कबूल की है, जिसमें चलती ट्रेन में बाले छीन लिए थे 2 औरतों के इसने। और इसके अलावा एक कुंडली थाना के अधिकारक क्षेत्र से एक बाइक चोरी और की हुई है। रहने वाला ये गाँव का रहने वाला है। अपनी नशे की पूर्ति के लिए नशा करता है। ये अकेला करता था इस कार्रवाई को या कोई साथी? ना, अकेला ही था। इस करके रिमांड लेंगे, रिमांड के दौरान दूसरे मुकदमा में रिकवरी करेंगे। हाँ, हो सकता है जी, बिल्कुल।